नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंद्रह प्रतिष्ठानों पर 1,27,000 का जुर्माना। दिन दहाड़े मारपीट कर अपराधियों को लूटा। सफेद घर से मिले पिस्तौल कारतूस। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 15 प्रतिष्ठानों पर 1,27,000 का जुर्माना। मनपा के एनडीएस दल की तरफ से कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को 15 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 1,27,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कुल 61 प्रतिष्ठान, दुकान, कार्यालय आदि की जाँच की गयी। लक्ष्मीनगर जोन में 2 प्रतिष्ठानों पर 12,000 रुपए, धर्मपेट जोन में 1 सुपर बाजार पर 20,000 रुपए, गांधीबाग जोन में 3 रेडीमेड, 1 स्टील व 1 सुपारी वाले पर 35,000 रुपए, सतरंजीपुरा जोन में सोन पपड़ी कंपनी पर 15,000 रुपए, कार्यालय पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं लकड़गंज जोन में 1 प्रतिष्ठान पर 5,000 रुपए, आसीनगर जोन में ज्वेलरी दुकान पर 10,000 रुपए, मंगलवारी जोन में 1 रेडीमेड दुकान पर 15,000, 1 ऑटोमोबाइल कंपनी पर 5,000 तथा किराना दुकान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो वही दूसरी ओर दिन दहाड़े मारपीट कर अपराधियों को लूटा। नागपुर इमामवाड़ा में अपराधियों ने मारपीट कर दिन दहाड़े एक व्यक्ति को लूट लिया। आरोपी आतिश कैलाश टाकभोरे, राजा भागशाह, राजेंद्र तिलक राउत, पांच नल चौक रामबाग तथा उनका एक साथी है। सावित्रीबाई फुले नगर निवासी राकेश ढोके अपने भाई राहुल के साथ परिवार की दोपहिया पर सवार होकर जा रहा था। टीबी वार्ड के पास आरोपियों ने ढोके बंधुओं को रोका, मारपीट कर उनसे 2,500 रुपए तथा मोबाइल छीन लिया। दोपहिया की चाबी निकाल कर फेंक दी। इमामवाड़ा पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वही तीसरे और सफेलकर से मिले पिस्तौल कारतूस। कुख्यात रंजीत सफेलकर से पुलिस ने 2 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। 30 मार्च को गिरफ्तार सफेलकर से पहली बार पिस्तौल की बरामदगी हुई है। इसी बीच सोमवार को सफेलकर, उसके साथी इशाक मस्ते तथा विनय उर्फ गोलू बातो की हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। तीनों मनीष रिवास हत्याकांड में दर्ज मकोका के तहत पुलिस की हिरासत में है। इसकी जाँच क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस को सफेलकर के पास पिस्तौल होने का पता चला। सख्ती बरतने पर उसने 2 पिस्तौल तथा 4 कारतूस होने का कबूल किया। पुलिस ने कामटी स्थित उसके घर से 2 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद कर लिए। गिरफ्तारी के 20 दिन बाद यह कार्रवाई हुई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।